हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से तथा 370 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अनुच्छेद 35 ए संविधान का वह आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। यह भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 मई 1954 को जारी किया गया था। यह अनुच्छेद 35 ए जो जम्मू कश्मीर के जो विधानमंडल है उसे स्थायी निवासी को परिभाषित करने का अधिकार देता है। स्थायी नागरिकों के अधिकारों से संबंधित कानूनों का संरक्षण करना और जम्मू कश्मीर राज्य को निम्न अधिकार हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य स्थायी नागरिक कौन होंगे, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी नागरिक कौन होंगे, अथवा इसे प्रभावित करने का अधिकार उस विधानसभा को है। ऐसे स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करना तथा अन्य जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों पर इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध कौन कौन से लगाए जाएंगे, जैसे राज्य सरकार में नौकरी, राज्य सरकार की अचल संपत्ति का अधिग्रहण, राज्य में आकर बसना और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले छात्रवृत्तियां या ऐसी कोई अन्य सहायता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का अगर कोई नागरिक है तो फिर उसे इन सब का लाभ मिलेगा। अनुच्छेद 370 देखिए, तो अनुच्छेद जो 370 है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 एक ऐसा लेख है जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता का दर्जा देता है। संविधान के भाग 21 में ये लेख का मसौदा तैयार हुआ। धारा 370 के प्रावधान के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मंत्रालय और संचार, यानी रक्षा और विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य मामलों पर अगर कानून बनाना चाहे संसद तो वहाँ की यानी कि जम्मू कश्मीर की विधानमंडल से यानी कि वहाँ की सरकार से अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर अनुच्छेद 56 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा अनुच्छेद 360 के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं। इसी विशेष दर्जे के कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो विशेष अधिकारों की सूची है उस सूची को देखिए आप। पहली बात इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनके पास दोहरी नागरिकता है। दूसरी बात यह, जम्मू कश्मीर का जो ध्वज है वो अलग होगा भारतीय ध्वज से। तीसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। चौथी जो बिंदु है वो है भारत के उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। फिर अगला टॉपिक नंबर 5 है, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है या राष्ट्रीय प्रतीक है उनके अपमान पर कोई भी अपराध नहीं है, कोई दंड नहीं दिया जाता। जम्मू कश्मीर राज्य पर नंबर 6 पर ये जम्मू कश्मीर राज्य की जो कोई महिला अगर भारत के किसी नागरिक से शादी कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई महिला पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी कर लेती है तो वहाँ पर उसे यानी उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। अनुच्छेद 370 के वजह से ही जम्मू कश्मीर में RTI और कैग कानून लागू नहीं होते हैं। कश्मीर में महिलाओं पर शरिया कानून लागू है। जम्मू कश्मीर में पंचायत को अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 के वजह से ही कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। ये अनुच्छेद 370 के वजह से ही जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन पाकिस्तानियों को नागरिकता मिल जाती है। अभी मैंने चर्चा की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।